Welcome back. So, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एक छोटा सा चाट टेबल कैसे प्रिपेयर किया जाए। So, अभी मैं दही वड़े का बैटर पीस रही हूँ। ये मैंने उड़द की दाल जो है वो ओवरनाइट भिगो के रखी थी पानी में। अब मैंने उसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। अब मैं इसमें डाल के थोड़ा सा पानी डाल के, जितना हो सके उतना कम पानी डाल के, इसमें नमक डाल के मैं इसे पीस लूंगी। अब बहुत सारे लोग इसमें, कोई अजवाइन डालता है, कोई जीरा डालता है, कभी मैंने अदरक भी कुछ लोगों को डालते हुए देखा है, पर हमें प्लेन पसंद है। आपके चॉइस के अनुसार आप चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं। सो मैं बहुत सारे लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने फुल 1 kg स्प्लिट उड़द दाल जो है, जो टूटी हुई उड़द होती है भाई, वो भिगोई थी। आप अपने हिसाब से कम बना रहे हैं तो आप 1/2 kg ले सकते हैं। इसमें कोई प्रोपोर्शन तो है नहीं, बस आपको भिगो के इसे पीसना है और इसे फ्राई करना है। पीसने की कंसिस्टेंसी मैं आपको बता दूं। सो ये देखिए, हमने इतनी थिकनेस रखनी है ताकि इसके अच्छे से वड़े बना के हम फ्राई कर सके। इसको फ्राई करेंगे, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। एंड वड़ों का हमेशा होता है कि जब आपने बैटर पीसा है आपको तुरंत फ्राई कर लेना है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि आपने कल पीसा, आज फ्रिज में रखा और फिर आप उसको फ्राई कर रहे हो, तो वो वड़े अच्छे नहीं बनते हैं। जब आपने पीसा, इमीडिएटली विद इन 10-15 मिनट्स स्टार्ट फ्राइंग। तो ये मैंने मीडियम हीट पे किया है फ्राई और ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको निकालूंगी। ये हल्के से वार्म पानी में मैंने वड़े जो है वो भिगो के रखे हैं। लगभग 2-3 मिनट 5 मिनट आपको रखने पड़ेंगे। ये देखिए, फिर आप इसे इस तरह से भून डालते हैं। इससे ज्यादा मत रखना वरना वो पूरा चटनी बन जाएगा। सो ये वड़े के ऊपर आप जितना आपके हिसाब से दही चाहिए वो डाल दीजिए। चटनी डाल दीजिए जितनी आपको पसंद है। सो ये जीरा पाउडर है, इसमें काला नमक और ये है लाल मिर्च। ये आप हमेशा मिक्स करके रखिए क्योंकि चाट के ऊपर ये 3 मसाले जरूर डलते हैं। ये आपने इसके ऊपर डाला। This is totally optional. आप डालना चाहें तो इस पे फिर आप अनार भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं। That's it. आपका दही वड़ा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। So, ये आप इसमें और बहुत additions कर सकते हैं अगर आप दही पूरी बनाना चाहते हैं। So, same stuffing इन पूरी में डाल के, फिर उसके ऊपर चटनी डाल के, उसके ऊपर अनार, प्याज, टमाटर सब कुछ डाल के, उस पर दही डाल के आप वो सर्व कर सकते हो। तो ये था एक छोटा सा चाट टेबल बनाने का आइडिया। आपको अच्छा लगा हो और आप अगर बनाएंगे तो प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड बस तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।